नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राष्ट्रहित में आज सबसे पहले बात करेंगे देश के सुल्तान को मिले सम्मान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया। खुद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम को सम्मानित किया गया। देश के प्रधान को ये सम्मान देने का ऐलान पिछले हफ्ते हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये सम्मान सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना ही होगा। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये प्रमाण है प्रबल इच्छा शक्ति के शीर्ष तक पहुंचने का। उस सोच का सम्मान है जिसने दुनिया को सोलर एनर्जी को लेकर नई दिशा दी। हिंदुस्तान के प्रधान की उस इच्छा शक्ति का सम्मान है जिसने परिभाषा बदल दी पर्यावरण को बचाने की। उस ख्वाब का सम्मान है जो ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए देखा था नरेंद्र मोदी ने। ये उसी मोदी मंत्र का सम्मान है जिसे दुनिया ने स्वीकारा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहा। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के जरिए विकास को बुलंदी पर पहुंचाने का रास्ता दिखाने वाले, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जब सोलर एनर्जी को लेकर दुनिया को राह दिखाई तो यूएन ने कहा कि मोदी सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चैंपियन नहीं है बल्कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ है नरेंद्र मोदी। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये सम्मान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत की 125 करोड़ जनता की प्रतिबद्धता का परिणाम है। पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी किस हद तक फिक्रमंद हैं, वो इस चमकती हुई ट्रॉफी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने हाथों से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। सम्मान पाकर अभिभूत हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पूर्वजों और शास्त्रों ने पर्यावरण को लेकर जो रास्ता दिखाया था उसी पर आगे बढ़ने से लक्ष्य हासिल होगा। प्रकृति को सर्वोपरि मानने का नतीजा है ये सम्मान। ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है जो लाभ हानि सुख समृद्धि की चिंता किए बिना दूर किसी गांव, किसी बस्ती, किसी पहाड़, किसी आदिवासी इलाके में बरसों से काम कर रहे हैं। ये जो सम्मान हिंदुस्तान के सुल्तान को मिला है, ये दरअसल पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अब जरा समझिए कि यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित करने की वजह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। कल ही उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली असेंबली का उद्घाटन किया था। जलवायु परिवर्तन पर पीएम मोदी ने अनुकरणीय नेतृत्व किया है। 2022 तक भारत को एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। गांधी जयंती के मौके पर जब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए 121 देशों के संगठन अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की पहली बैठक हुई, उसी में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके भविष्य का एजेंडा तय कर दिया था। आईसा की पहली बैठक में शामिल होने के लिए 41 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। शुरुआत में ही बदलाव की तस्वीर दिखाई गई, फिर इस पर मंथन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने भारतीय दर्शन के जरिए प्रकृति और पर्यावरण का विश्लेषण किया। आत्मविश्वास से लवरेज प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्व एक सूरज और एक सोलर ग्रिड का नारा दिया। एक दुनिया एक सूरज एक ग्रिड, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, इस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो कभी भी कहीं पर भी जब तक सूरज ढलता नहीं है बिजली पाना असंभव नहीं होगा।
इसी साल मार्च के महीने में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शिखर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, जिसमें कई देशों के प्रधान शामिल हुए थे। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि सौर ऊर्जा कितनी जरूरी है। फैसला लेने की कुव्वत रखने वाले, दूर तलक देखने वाले साहसी सुल्तान ने देश भर में घूम घूम कर पर्यावरण को लेकर अपनी चिंता जताई है। कुछ बरस पहले सौर गठबंधन की जोरदार पैरवी करने वाले प्रधानमंत्री ने जब गीगावाट में बिजली उत्पादन की कल्पना की थी, तब किसी को एक बार की यकीन नहीं हुआ था। हैरान हो गया था विश्व, जिस समय उन्होंने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो शब्द अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए उस दिन कहे थे, आज उसे पूरा कर दिखाया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा लंबे अरसे से हो रही थी, लेकिन बात हमेशा किसी न किसी एक्शन पॉइंट पर उलझ जाती थी। डेवलप कंट्री पैसे देंगे नहीं देंगे, डेवलपिंग कंट्री योगदान देंगे नहीं, इसी पर चलता रहता था, वो डिबेट वहीं पूरी हो जाती। किसने व्यवस्था से जोड़े, ग्लोबल वार्मिंग का जवाब व्यवस्था से निकलेगा, हमारे बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण आर्टिकल से नहीं निकलने वाला है। और उसमें से इंटरनेशनल सोलार अलायंस और उसमें फ्रांस और भारत ने लीड किया, फ्रांस और भारत ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया। एक तो देखिए, हमने दुनिया के सामने वादा किया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। ये छोटा टारगेट नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे खुशी है हम सभी पहलुओं पर, चाहे बायोफ्यूल हो, चाहे सोलार हो, चाहे विंड हो, चाहे हाइड्रो हो, सारी चीजों पर हम बल दे रहे हैं और मैं मानता हूं कि हम इसको अचीव करेंगे। ख्वाब देखकर उसे मुकम्मल अंजाम पर पहुंचाने वाले साहसी शख्स का नाम ही तो नरेंद्र मोदी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वच्छता से लेकर सोलर एनर्जी तक के लिए मुहिम चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सिर आंखों पर बैठाया है। And today, indeed, thanks to Prime Minister Modi's leadership, India became the fourth largest producer of solar power and the fifth largest producer of renewable energy in the world. And I believe that very soon the ranking will improve thanks to the enormous investments that are being made and the strong determination to mobilize the people of India. असल में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी पर्यावरण की शुद्धता और स्वच्छता को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं। अध्यात्म और शास्त्रों के जरिए कुदरत को जोड़ते हुए नई दिशा में आगे ले जाने की वकालत करते रहे हैं। दुनिया ने इसी कर्मठता को सलाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।